रेडी एंड वेलकम वेलकम ऑन दिलजीत किचन के एट दिलजीत किचन। एनी हाउ मिट्टी पाओ, आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च आलू, या आलू शिमला मिर्च भी आप बोल सकते हैं। आलू देखो, ये मैंने गलती की, मैंने काट के रख लिया, इसलिए आलू काला हो जाता है। तो आप आलू को पानी में रखें, जब बनाना है तब इसको खुला छोड़े, नहीं तो ये अपने आप ब्लैकिश हो जाता है। आयरन हुआ है। ओके, सो पोल किया था, लेकिन पोल का जो रिजल्ट था वो 24 आवर में आएगा, इसलिए मेरी इच्छा शिमला मिर्च बनाने की थी तो मैं बना रहा हूं। अगर किसी को भिंडिया पसंद है तो मैं कल भिंडी भी बना दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये सवाल हम आज यूज करने वाले हैं। आई नो वर्जिन ऑयल कुकिंग के लिए बेस्ट नहीं है, ये आइडल है सॉटे वेजिटेबल और सैलड के लिए, लेकिन मेरे पास यही है और लॉकडाउन में मुझे मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तो मैं चेंज कर लूंगा। ओके गाइस, सो जीरा, और ये हमारा जीरा आज डलेगा, और वो रही हीन। चक्कर ये हो गया कि इनकी कल चक्कर ये हुआ है कि इनकी रात ही कल शादी के पहली रात ही इनकी लड़ाई हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है, जो सूत्रों से पता चला है, कि हींग को जीरे का कोई पुराना अफेयर का पता चल गया है। तो अब ये गुस्से में है, आ रहा होगा कि इनका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो फिलहाल मुझे इतना पता चला है भरोसे से, जो सूत्रों से, कि हींग को पता चला है कि जीरे का कोई पुराना अफेयर भी है। ये पहले पता चल जाता तो इनका इतनी नेड़ता नहीं होती, लेकिन आ रही है दूर दूर, इसीलिए है कि हींग ने जीरे के साथ डलने के लिए मना कर दिया। सो इट्स ओके एज लॉन्ग एज सब्जी बन रही है, वी आर ओके। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट एंड लगाइंग द आग। शादी की पहली रात और पुराने अफेयर का पता चल जाता, I'm so sorry about जीरा, मेरी सिंपथी है तुम्हारे साथ, और एज लॉन्ग एज मुझे सब्जी बनानी है तो तुम लोग दोनों को डलना तो पड़ेगा ही, लेकिन चलो मैं दूर दूर डाल देता हूं आपको। ओके ओके गाइस, सो ये तो रही जीरा और एस फुटीडा की कहानी। सो हम बढ़ते हैं, हमने आग लगा दी है और लाकड़ की करसी हमने यहाँ रख ली है, और हमारा जो लगता है कि जो कढ़ाई है वो गर्म हो गई है। अब हम इसमें ना चाहते हुए वर्जिन ऑयल डाल देते हैं। एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि दिलजीत तुम भाई प्याज क्यों कम यूज करते हो। सो प्याज मैं इसलिए कम यूज करता हूं कि जब प्याज को काटता हूं तो मुझे रोना आता है, और रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कम प्याज काटता हूं। लेकिन आज मैंने ना चाहते हुए भी प्याज काट लिया है, और कोई रीजन नहीं है, मुझे नहीं पता प्याज क्यों लोग खाते हैं क्यों नहीं खाते, या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आप अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लें। मैं इसलिए नहीं खाता हूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता प्याज काटना। यस, टाइम हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तती हो गई है, और तती कढ़ाई में हम कुछ एक या डेढ़ चम्मच जीरा डाल देते हैं। ऑल दो कढ़ाई के थल्ले भी आग लगी हुई है और जीरे में भी पूरी आग लगी हुई है, क्योंकि रिलेशन बड़े खतरे में है इनका भाई, तो जीरा भी पूरा आज आगो आगो रखा है और हमने कढ़ाई के थल्ले भी आग लगा दी है। तती तती कढ़ाई में हमने गंडा जो है वो सीट दिया है, तो तती कढ़ाई जीरा और गंडा अभी आपस में मिलजुल के कुछ करेंगे। अब ये गंडा जो है वो हमारा ब्राउन हो जाएगा जल्दी ही। दुश्मन न करे ओ, 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 दुश्मन न करे जीरे ने वो काम किया है, उम्र भर का गम है सुपटीडा को इनाम दिया है। ओ, ओ, ओ। लो जी, चलो जीरा और सुपटीडा को छोड़ते हैं पीछे, और हमारा जो गांडा है वो ब्राउन ब्राउन हो गया है। वैसे इसमें आप दो तीन गांडे काट के सीट सकते थे, मैंने इसलिए एक काटा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता गांडा को काटना। सो अब हम इसमें आलू को, जी हाँ, गांडा जीरा और अपने पोटैटो को आप चंगी तरह से मिक्स कर लें, अपना स्पैचुला हिलाते हुए। जी आपने बिल्कुल सही सुना, इस करछी को स्पैचुला कहते हैं, ये मैं नई नई चीजें सीख रहा हूं। बच्चों क्या कहते हैं करछी को? स्पैचुला। हाँ, अगर मैं गलत हूं आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। तो आप अपना स्पैचुला हिलाएं और इन तीनों को काटा कर दें। अब मैं इसको ओवर द टॉप कवर कर दूंगा और इसको कवर करके थोड़ा चिर पकने के लिए लीव कर दूंगा। तो थोड़ा सा चाकर चल गया है, मैं सुसु करने के लिए चला गया और मेरे थोड़े से आलू थाले लग गए हैं। ये पता नहीं जीरे ने अपना प्रकोप डाला है, पता नहीं क्या हुआ है, दो तीन आलू जो थाले लग गए हैं। ये अब ऐसा ही होगा जब जीरे की लड़ाई हुई है एस कुटीडा के साथ, तो दो तीन आलुओं का हम सैक्रीफाइस करेंगे, कर भी सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं इसको, पर रहने देते हैं, आलू हमारे पास कम है तो कोई सैक्रीफाइस नहीं करेंगे। दो तीन आप भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ध्यान रखें, सुसु सु आया तो पहले जाए, और जो भी आपको पहले जाए सब्जी वब्जी बनाने से, बीच में मत इधर उधर भाजे। बहुत जरूरी था, हमने जल्दी से इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट और अपनी हल्दी और लाल मिर्च और जीरा, जीरा का धनिया पाउडर, इसको क्या कहते हैं आप, शायद धनिया पाउडर कहते हैं, ये धनिया पाउडर हमने डाल के इसको जल्दी जल्दी से हिला लिया, क्योंकि एक दो आलू जो थे वो डाउन टू अर्थ हो गए थे। लो
लुक एट दिस ब्यूटी, लग रहा है इसमें मैं सोडियम भूख दूं। और सोडियम को कहते हैं NaCl, गाइस क्या कहते हैं NaCl बच्चों, अगर गलत है तो आप मुझे बताना और खा जाऊं, पर नहीं हमें इसमें अभी टमाटर अपना जो, हाँ अब बारी आ गई है NaCl की, तो अब हम इसमें NaCl भी डाल देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं अगर मैं कोई गलत फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा गया हूं या मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो आप अपने प्लीज फैमिली डॉक्टर से सलाह लें। और मैंने ये NaCl को जी हमारा चुड़लू तो आज पड़ा ही रह गया है, इसको तो हमने यूज ही नहीं किया है, अब इसमें फेर ले। नो ब्रो, चुड़लू का कोई टाइम नहीं है, आप अपना स्पैचुला इसमें घुमाए और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे और आप कहीं नहीं जाए, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, नो वॉशरूम, नो। पहले मैं गलती कर चुका हूं, 2 आलू मेरे डाउन टू अर्थ हो चुके हैं, अब मैं और नहीं चाहता हूं कि मैं 5 आलू। क्या स्मेल आ रही है भाई, ओ रस पिन्नी पिन्नी सब्जी बड़ा मुंडे आवे रस पिन्नी पिन्नी। लो जी अब इसमें वो डलने वाली है जिसका सबसे ज्यादा रौला पै रखा है, एस ओ फटीडा। अब आई नो उसको जीरा नहीं लापेगा क्योंकि जीरा बहुत इधर उधर फैल चुका है, जीरो का काम भी इधर है, देखो इधर उधर कितने लोगों के साथ चिमड़ रखा है, तो क्या करती बेचारी एस ओ फटीडा, झगड़ा हो रखा है। हम ट्राई करेंगे जल्दी इसको सुलझा दे, लेकिन आप अपना स्पेक्टुला हिलाना मत छोड़े, इसको हिलाते रहो। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, नहीं बोलते खड़े खड़े 4 स्पून होता है, टीस्पून, या 1 टीस्पून अमचूर। लो जी अमचूर पै गया, नाउ द टर्न ऑफ द शिमला मिर्च। चाहे हमें शिमला जाने को नहीं मिल रहा लेकिन हम शिमला मिर्च जो है वो तो डाल सकते हैं ना अपनी सब्जी में, तो ये हमारी डल गई शिमली मिर्ची। सो आप इसको सब्जी को आलू शिमला मिर्च भी बोल सकते हो, शिमला मिर्च बोल सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू, डिपेंड ऑन यू, मतलब इंग्लिश अपने हिसाब से लगाएं, लेकिन शिमला मिर्च इसमें जरूर पाएं। ध्यान रखें गाइस, जो एक जरूरी बात वो ये है कि आप शिमला मिर्च को एंड में ही डालें, पहले नहीं तो फिर आपकी शिमला मिर्च का कड़ा बन सकता है, क्योंकि आलू को, आलू हमारे उबले हुए नहीं थे तो उसको पाकने में टाइम लगता है, शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी बन जाती है। सो द की इज शिमला मिर्च को आपने सारा कुछ करने के बाद, आलू मेरे थोड़े थोड़े टूट रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरह बने नहीं, सो अब इसमें हमने शिमली मिर्ची मिला दिया है। अब हम इसको और ढक के 5 to 10 मिनट, नहीं नहीं 10 नहीं, 5 to 7, अब बीच बीच में स्पेक्चुला हिला के देखते रहे। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला फूंक दिया है। और सब्जी को ध्यान रखना इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं ना इसमें बहुत ज्यादा कम तेल यूज करता हूं, और अगर थोड़ा तेल ज्यादा यूज करें आप तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही कम तेल यूज करता हूं जब मैं सब्जी बनाता हूं, ये अपन का स्टाइल है रे, सो इसलिए आप अपनी सब्जी का, अपनी सब्जी अपने हाथ। लो जी ऑलमोस्ट हमारी जो सब्जी है वो बनके रेडी हो गई है, शिमला मिर्च आलू इसका नाम है, और ये बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। सो आपने देखा कितनी आसानी से सब्जियां बन जाती हैं, आप अपनी मम्मियों को तंग मत करें, अपनी घरवालियों को तंग मत करें, उठे और जाके किचन में जो खाना है वो बना लें। How's the time to धनिया, और धनिया चलो जी हमने धनिया भूख दिया, अब हम इसको अपने स्पैटुला से ऐसे हिला लेंगे और इसको पूरा इसमें इधर उधर पूरी तरह भेज देंगे ग्राउंड में। सो ये पूरा ग्राउंड में बिखर गया है देखिए आप, और अब हम इसको ढक के आग बंद कर देंगे और इसको ढक के ऐसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, अपनी भाव के साथ ये बनता रहेगा। Look at this beauty, I need my spoon. Guys, बिल्कुल रेडी है हमारी शिमली मिर्ची और आलू।